अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो थी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, आज भी हमारी वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे है। बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ से वेल फेमिलियर होंगे, इस नाम से वेल फेमिलियर होंगे, और अगर वो नहीं है तो आज हो जाएंगे। ठीक है, पहले जो था वो आप इस वेबसाइट को यूज़ करते थे सिर्फ ख़रीदने के लिए, ठीक है, लेकिन आज आप इस वेबसाइट को यूज़ करेंगे उससे अर्निंग करने के लिए। अब आपने अर्निंग किस तरह से करनी है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, और किस तरह से आपने जो है वो अपने अकाउंट को रजिस्टर कराना है, उसका एक्सेस लेनी है, आपकी जो है वो कंफर्मेशन आपको किस तरह से मिलेगी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। ठीक है, फ़ायदा ये है कि अगर आप जो है वो इस वेबसाइट के साथ काम करते हैं तो आपको जो है वो लाइफ टाइम अर्निंग होने वाली है। वो किस तरह से होने वाली है कि फॉर एग्जांपल अगर अपना लिंक जो है वो आप शेयर करते हैं एक बंदे के साथ, और एक बंदे ने आपके उस लिंक को यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ इस वेबसाइट से ख़रीदी, तो जितनी दफ़ा भी वो दोबारा इस वेबसाइट से कोई भी चीज़ खरीदेगा आपको उसका कमीशन 60% दिया जाएगा। 60% कमीशन जो है वो आपका होगा, 40% जो है वो कंपनी का होगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जी होस्टिंगर की। जैसे आपको पता है ये वेबसाइट है, यूजुअली लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं, यूजुअली लोग नहीं, सारे लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं होस्टिंग बाय करने के लिए, डोमेन बाय करने के लिए, वेब बिल्डर के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो आज आपने इससे अर्निंग किस तरह से करनी है कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया जाएगा। और अगर जो है वो आप फाइवर एफिलिएट्स बनना चाहते हैं तो उसकी जो वीडियो है उसका लिंक जो है वो ऊपर आपको टॉप आई बटन में नज़र आ रहा होगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा। और एक और चीज़, आपने अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपने अपने लिंक्स जो हैं वो प्रमोट किस तरह से करने हैं ये भी देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको ऊपर जो है वो आई बटन में एक और वीडियो मिल जाएगी, उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। और अमेज़ॉन के थ्रू अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, अपना स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए भी तमाम चीज़ें जो है वो आपको एक प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो चेक दिस आउट। तो आज की हमारी जो वीडियो है होस्टिंगर से आपने अर्निंग लाइफ टाइम के लिए किस तरह से करनी है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो आपने आ जाना अपने ब्राउज़र में, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वो चाहे गूगल है, याहू है, बिंग है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला है, जो भी है, उसके अंदर सर्च बार के अंदर आके आपने सिंपल लिख देना होस्टिंगर। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं होस्टिंगर वेब होस्टिंग ऑफिशियल वेबसाइट गेट अ डोमेन होस्टिंग वेब होस्टिंग बाय वेबसाइट डोमेन अप टू 80% ऑफ वेब होस्टिंग। आपने किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपके सामने जो पहला लिंक नज़र आ रहा है ना होस्टिंगर वेब होस्टिंग ऑफिशियल वेबसाइट, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो होस्टिंगर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने अब लॉगिन वगैरह या वर्डप्रेस या किसी और जो बटन है उसको नहीं छेड़ना, किसी भी और चीज़ को नहीं आपने छेड़ना। यहाँ पे जो है वो आपको इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। फ़िलहाल हम यहाँ पर कोई ख़रीदने नहीं आए, हम यहाँ से अर्निंग करने आए हैं, तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपने कर देने हैं स्किप। आपने आ जाना है जी बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर। जब जैसे ही आप जो है वो इस पॉइंट तक पहुंचेंगे ना, तो आपको डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे, होस्टिंगर है, होस्टिंग टूल्स, कंपनी इंफॉर्मेशन, हेल्प, डोमेन्स, लीगल। ठीक है, आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन के जो आगे आपको जो है वो सब कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, इसमें आपको थर्ड नंबर पर एफिलिएट प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र आएगा। सिंपली आपने क्या करना है जी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने जो है वो होस्टिंगर का एफिलिएट प्रोग्राम का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है ये आपको बता रहा है, 4 स्टेप्स हैं जिससे आप जो है वो एलिजिबल होंगे होस्टिंगर का जो एफिलिएट प्रोग्राम आपको जो है वो मिल सकता है। सबसे पहले आपने साइन अप करना है, उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैक होगी, उसके बाद आप जो है वो एफिलिएट बैनर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रमोशन पर्पसेस, फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, एंड देन 60% कमीशन जो है वो आपको मिलेगा, यानी कि 40% जो है वो कंपनी का, 60% आपका। ठीक है, तो क्योंकि डोमेन्स या होस्टिंग अगर कोई ख़रीदता है तो वो उस, या तो अगर वो 1 साल का ख़रीदता है या 2 मंथ का या 2 साल का ख़रीदता है, तो उसने जो है वो उसको रिन्यू कराना होता है, यानी कि ये जो है अगर समझा जाए, अगर देखा जाए तो ये है लाइफ टाइम अर्निंग। ठीक है, इस एफिलिएट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने जो है वो सिंपली क्लिक कर देना। जितनी दफ़ा भी कोई भी बंदा अगर आपके लिंक से आके जो है वो होस्टिंग ख़रीदता है या लेता है,
जितनी दफ़ा भी वो उसको रीन्यू कराएगा उतना कमीशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो लाइफ टाइम अर्निंग टिप है, इसलिए आपने ये स्टेप्स हैं वो गौर से देखना है, इन दोनों को चेक करके नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके सामने जो है वो पेज आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने पहले से जो है वो अकाउंट बनाया हुआ है तो आप इसको सिंपली ईमेल और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन क्योंकि हम जो है वो न्यू बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है डोंट हैव एन अकाउंट येट, और उसके नीचे नज़र आ रहा है छोटा सा पार्टनर साइनअप, इसके ऊपर सिंपली आपने जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टिंगर का जो पार्टनर साइनअप विंडो है वो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो टोटल 4 स्टेप्स हैं उनको आपने फुलफिल करना है, देन आपका जो है वो आपको ईमेल आएगी विद इन सम डेज और विद इन सम मिनट्स, इट डिपेंड्स। सबसे पहले ये आपने अपने कंपनी नेम बताना है या अपना अपना नेम बता देना है, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट जैसे www.something.com इस तरह से होती है ना, वो आपने बता देना है। एड्रेस बता देना है, सिटी आप जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो आपने लिख देना है, कंट्री आपकी जो भी है पाकिस्तान है इंडिया है या जिस भी स्टेट से आपका ताल्लुक है। उसके बाद आपने अपना स्टेट बताना है, जिप कोड बताना है, फ़ोन नंबर बताना है, इंटेक्स आईडी जो है वो प्रोवाइड करना मस्ट नहीं है, जिसके साथ भी स्टेरिक साइन नज़र आ रहा है ना रेड, वो आपने जो है वो लाजमी फिल करना है। नीचे जो आपको कुकी कॉन्सेंट का जो बॉक्स नज़र आ रहा है उसको आपने चेक करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर सिंपली जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये क्योंकि जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये मैं आपके सामने जो है वो तो एंटर नहीं कर सकती, बाकी मैंने आपको सारी डिटेल जो है वो बता दी, तो मैं इसको जो है वो जल्दी जल्दी से फिल कर लेती हूँ और उसके बाद जो है वो हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं जो कि है यूजर डिटेल का, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप में आपने अपना फर्स्ट नेम बताना है, लास्ट नेम बताना है, यहाँ पे टाइटल प्रोवाइड करना नेसेसरी नहीं है, ईमेल एड्रेस बताना है, पासवर्ड जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, बिटवीन 8 एंड 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो एटलीस्ट 1 अपर लेटर होना चाहिए, 1 लोअर लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स यानी कि जो भी सिम्बल्स वगैरह होते हैं ना, जैसे स्टेरिक हो गया, डॉलर साइन हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, इस तरह से आपका जो है वो कोई भी स्पेशल साइन जो है वो अंदर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, तो फिर आपका जो पासवर्ड है वो अप्रूव होगा। और ये पासवर्ड जो है वो आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, और ईमेल एड्रेस आपने वो वाला प्रोवाइड करना है जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि आपके यूज़ में है, ये नहीं कि आपका जो है वो यूज़ ही नहीं होता, आप उसको चेक ही नहीं करते। तो आपने जो है वो अपना अपडेट जो करंट ईमेल एड्रेस है ना वो आपने उसको प्रोवाइड करना है, पासवर्ड आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, और मेक श्योर कि आपने अपना पासवर्ड जो है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है जी। तो ये मैं सारी चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी से फिल करके उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और चला जाएंगे अपने थर्ड स्टेप के ऊपर, ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेप पे। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें। ये ना सोचा करें कि अगर आपका भला नहीं होता तो किसी का भी भला ना होए, अगर आप ये सोचना छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका भी भला होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो है हो सकता है कि आपकी किस्मत में कहीं और जगह अप्लाई करना लिखा हो, कोई और जगह से आपको जो है वो अर्निंग करना लिखा हो, तो फिलहाल अगर आपके पास ऐसा नहीं आता अपॉर्चुनिटी, या अगर जो है वो 90% अकाउंट जो है वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं होस्टिंगर पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो अफिलिएट प्रोग्राम के लिए, तो इससे घबराना नहीं है। और भी बड़ी ज़्यादा ऐसी जगह जहाँ पे आप जो है वो अप्लाई करते हैं तो आपका जो है वो बहुत अच्छी अर्निंग आती। तो थर्ड स्टेप है हमारा ये वाला, एडिशनल क्वेश्चंस आपने यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, यहाँ पे जैसे जैसे मैं जो प्रोवाइड करी हूँ वो आपने प्रोवाइड कर देना। व्हाट इज़ योर मेन चैनल टू प्रमोट होस्टिंगर ब्रांड, यहाँ से आपसे पूछ रहा है, ब्लॉग है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, अदर है, या ईमेल मार्केटिंग है, तो आपने उसको चूज़ कर लेना। मेरा जो है वो यूट्यूब है जस्ट एन एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूट्यूब। प्लीज़ प्रोवाइड द यूआरएल, अब आपने यूआरएल प्रोवाइड करना है जो भी आप जो है वो
जिस भी चैनल पे आप जो है वो ये चीज़ प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है वो यूट्यूब चैनल है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल का URL जो है वो उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद है जी विच प्रोडक्ट आर यू गोइंग टू प्रमोट, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा होस्टिंग प्रमोट करना चाह रहे हैं या वेबसाइट बिल्डर या बोथ, तो हम जो है वो बोथ के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हाउ मैनी विजिटर्स स्लैश व्यूज़ डज योर वेबसाइट है चैनल रिसीव ऑन एवरेज पर मंथ। अब आपने उनको ये बताना कि आपका जो चैनल है या वेबसाइट है या सोशल मीडिया अकाउंट है या जो भी आप काम करते हैं जिसका लिंक आपने ऊपर प्रोवाइड किया URL, उसके ऊपर मंथली जो है वो कितनी जो है लोग या विजिटर्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। जस्ट रैंडम नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मंथली हमारे 3.9 के आते हैं। उसके बाद ऐसे ही सेकेंड नंबर पे आप मतलब कि आई अंडरस्टैंड डैट होस्टिंग डज नॉट अलाउ पे पर क्लिक वगैरह वगैरह, यानी कि आप जो है वो अपने ही क्लिक के ऊपर बार बार आके तो यहाँ से इस तरह से चीज़ें जो है वो मतलब क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपने आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर देना, सेकेंड में भी आपने जो है वो आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर देना कि ये आपको पे किस तरह से करेगा। जैसे ही आपके $100 जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगे, 3 times जो है वो आप इसकी कन्वर्जन करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया और यूजर अग्रीमेंट आपके सामने नजर आएगा। उसके बाद आपके पास ये तीनों बॉक्सेस जो है नजर आ रहे हैं, आई हैव रीड एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस एंड आई हैव कॉन्सेंट वगैरह, इसको आपने चेक कर देना है। एंड आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर आपने जो है वो चेक करके साइन अप के बटन के ऊपर सिंपली जो है वो क्लिक कर देना। जैसे ही आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ऊपर ब्लू में नजर आ रहा होगा कि आपका अकाउंट जो है वो देखें, योर एप्लीकेशन इज करंटली बीइंग रिव्यूड एंड अकाउंट मैनेजर विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, ठीक है। इस तरह से नज़र आएगा अगर आपको, तो 2 दिन में या 1 दिन में आपको जो है वो ईमेल आ जाती है कि आप जो है वो एलिजिबल हैं होस्टिंगर के पार्टनर प्रोग्राम में वर्क करने के लिए। और अगर आपकी ऑरेंज या येलो लाइन आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो हिम्मत नहीं हार रही, कोशिश करें, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और मुझे दुआ में याद रखें, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।